जय हिंद दोस्तों, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज 1 जनवरी है, तो सबसे पहले तो मैं दुआ करूंगा ये नया साल आप सबको मंगलमय हो, एंड यू अचीव ऑल योर सक्सेसेस, यू अचीव ऑल योर हाइट्स, एंड यू डू वंडर्स। व्यूअर्स, आज हम उस सज्जन की बात करेंगे जो इंडियन आर्मी में वन ऑफ द मोस्ट जाबाज अफसरों की गिनती में गिना जाता था, जिनकी हाल ही में कल डेथ हो गई बिकॉज ऑफ एज। उनकी एज लगभग 87 ईयर्स थी, जिनको इंडियन आर्मी ने बुल के नाम से बोला था, आर्मी में सांड, भारतीय थल सेना का सांड, कर्नल नरेंद्र कुमार। कर्नल नरेंद्र कुमार जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भारतीय थल सेना में कुमाऊं रेजिमेंट में पोस्टेड थे, उसके बाद हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के सीओ थे, और इन्होंने भारत को वो दिया है जिसकी वजह से भारत पूरी दुनिया में जाना जाता है। इन्होंने इंडियन आर्मी को सियाचिन वापस दिया है। जी हाँ व्यूअर्स, सियाचिन ग्लेशियर जिसका आप नाम सुनते हैं, ये इन्हीं की बदौलत भारत का हिस्सा है। हुआ यूं था कि 1949 और 1972 के शिमला अग्रीमेंट में कहीं पे भी सियाचिन ग्लेशियर की चर्चा नहीं थी। ये पैक्ट था कि सियाचिन ग्लेशियर, जो दुनिया का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड फील्ड है, वो क्योंकि इतना ठंडा होता है तो वहाँ तो यार लड़ाई हो ही नहीं सकती, इसलिए यूएन ने भी, यूनाइटेड नेशंस ने भी सियाचिन का जिक्र कभी नहीं किया। अब जिस चीज़ की कभी जिक्र ही नहीं हुआ, जिस चीज़ की कभी चर्चा ही नहीं हुई कि वो भारत का है या पाकिस्तान का है, तो इट बिकेम अ नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड मतलब ना ये भारत का है ना ये पाकिस्तान का है। 1984 में पाकिस्तान की एक टुकड़ी ने, एक यूनिट थी, कहने को तो यूनिट थी पर थी पूरी की पूरी रेजिमेंट, उन्होंने अटैक प्लान किया, और ये प्लान किया कि सियाचिन ग्लेशियर को भारत से बिल्कुल अलग कर देंगे। इसके लिए उन्होंने एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया और ये स्ट्रैटेजी लगाई, ये एम लगाया, ये इरादा लगाया कि भाई अगर हम एक बार पहले ऊपर जाके बैठ गए फिर हमसे ये कोई चीज़ नहीं छीन पाएगा। व्यूअर्स, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो विंटर्स में जो मौसम है, आजकल विंटर्स चल रहे हैं नॉर्थ में, विंटर्स में जो मौसम है वो -47 डिग्री तक चला जाता है, -47। जी आजकल -42, -43 है, यानी कि बिल्कुल एवरीथिंग इज जस्ट आइस, सिर्फ बर्फ है। और यकीन मानिए कि अगर वहाँ पे कोई ऊपर पहुँच जाए टॉप पे सियाचिन ग्लेशियर के, तो फिर उसको वहाँ से हटाना नामुमकिन है। और यही स्ट्रैटेजी, यही दिमाग के साथ रावलपिंडी में 1983 में दिमाग लगा कि हम लोग 84 तक आते आते सियाचिन ग्लेशियर को पूरा का पूरा भारत से हटा देंगे, क्योंकि यूएन की नज़र में, क्योंकि 1949 में, क्योंकि 1972 के शिमला अग्रीमेंट में कहीं पे सियाचिन ग्लेशियर की चर्चा नहीं है। तो एक बार अगर वो लोग वहाँ पे बैठ जाते ना, तो लीगल राइट्स से या यूएन के प्रेशर से या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के प्रेशर से, डेवलप्ड कंट्रीज के प्रेशर से, हम सियाचिन को वापस नहीं ले सकते थे। भारतीय थलसेना का एक अफसर कर्नल नरेंद्र कुमार, जो भारतीय थलसेना का बुल भी कहलाया जाता है, वो उस वक्त एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में पोस्टेड थे, कुमाऊं रेजिमेंट में। उन्होंने एक टुकड़ी ली और एक टुकड़ी लेके ऊपर पाकिस्तानी से पहले 12 घंटे पहले वो वहाँ पे जाके ऑक्यूपाई कर गए, और उन्होंने ऊपर से धड़ाधड़ गोलियाँ चालू की, जिसकी वजह से पाकिस्तानी ऊपर नहीं चढ़ पाए। व्यूअर्स, ये एक बहुत गर्व की बात है, कहने को बड़ा आसान लगता है, पर आज मैं जो बाहर मौसम 16 डिग्री है, 2 स्वेटर्स पहना बैठा हुआ हूँ, आप सोचो -42 डिग्री में क्या हाल होगा। आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग है, पर 1984 में तो पोल्यूशन भी इतना नहीं था, मतलब मौसम और ठंडा ही रहा होगा, कम नहीं रहा होगा। कल उस सज्जन ने अपनी आखिरी सांस ली आर्मी रिसर्च एंड रेफरल आरआर हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में, और भगवान को प्यारे हो गए।
एज रिलेटेड इश्यूज थे, ये कहना गलत होगा कि वो किसी और बीमारी से या किसी और चीज़ से डेथ हुई। एज थी उनके, उनकी एज लगभग 84 ईयर्स के हो गए थे वो। ये वो हैं जिन्होंने पूरी की पूरी माउंटेनिंग टीम को सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तानी से पहले बैठा दिया था, और जब वो बैठ गए थे तो किसी की मजाल नहीं हुई कि वो ऊपर आ सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, 1953 में कर्नल नरेंद्र कुमार ने कुमाऊं रेजिमेंट देहरादून से लेके नंदा देवी तक अकेले पहाड़ चढ़े थे। ये पहले ऐसे सज्जन थे जिन्होंने नंदा देवी तक क्लाइंब कर लिया था। नंदा देवी मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत 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 हाइट है, बहुत हाइट है। ठंड में ना एक बीमारी होती है, फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट मतलब पूरी बर्फ जम जाती है, मतलब वो जैसे आप पेंसिल तोड़ो ना बीच से, पेंसिल होती है, पेंसिल तोड़ दो बीच से, वैसे ही हो जाती है फ्रॉस्ट बाइट। ये वो सज्जन हैं जिनकी चार उंगलियां उस सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन में, चार उंगलियों में फ्रॉस्ट बाइट हो गई थी, और पैर की चार उंगलियां है ही नहीं, मतलब थी नहीं उनकी, जस्ट बिकॉज देशभक्ति का ऐसा जुनून सर पे था कि नहीं साला सियाचिन नहीं देना तो नहीं देना। 12 घंटे से ये इस बंदे की विजय हुई है, 12 घंटे से आज भारत का हिस्सा है सियाचिन ग्लेशियर, जिसको कुछ दिन पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि इसको हम टूरिस्ट के लिए ओपन कर देंगे। व्यूअर्स, बहुत 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 गर्व की बात है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। कर्नल नरेंद्र कुमार को ऐसी आर्मी का सांड नहीं बोला जाता। सांड मतलब समझते हैं, सांड मतलब मेंटेलिटी है, सांड वर्ड नहीं है। ये एक एटीट्यूड दी, एटीट्यूड के चलते दिया कि करना है तो करना है यार। हम सबको, हम सबको, हर एक हिंदुस्तानी को इनकी इस ब्रेवरी से, इनकी एक इनकी 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 इनकी, इनकी इस एग्जाम्पल को रखना है, और वो एटीट्यूड रखना है कि भाई करना है तो करना है। बहुत बड़ी बात है व्यूअर्स। ये त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इस सज्जन को सलाम करता है, और यही रीज़न है कि 1 जनवरी को पहला काम हमने ये किया है कि कर्नल नरेंद्र कुमार पे वीडियो बनाई है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। व्यूअर्स, इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। हमने ब्लॉग के थ्रू भी इन्हें कवर करने की कोशिश की है, वैसे तो हम लोग बहुत छोटे हैं इनके आगे, बट सच में यार ऐसा सज्जन, ऐसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। मतलब वो -42 डिग्री, बहुत मैंने किस्से कवर किए हैं, मैंने सूबेदार अब्दुल हमीद जी पे बात की है, मैंने बहुत वॉर स्टोरीज कवर की हैं, बट हैट्स ऑफ यार, ऐसा बंदा मतलब सच में बहुत बड़ी बात है। इस कहानी से ये प्रेरणा लीजिए कि हाँ भाई, काम करना है तो करना है, पास होना है तो होना है, अफसर बनना है तो बनना है। बने रहिएगा त्रिशूल के साथ, ऐसी सपोर्ट देते रहिएगा, एंड हर एक स्टोरी से एक सीख लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।